बजरंग के आते आते, बजरंग के आते आते सूरज निकल न जाए, यूं राम कह रहे थे। ये बालाजी अपने भक्त को बुला लेते हैं, न कि हम उनके पास रहते, ये बुला लेते हैं। इतनी श्रद्धा है इनसे तो क्या मांगे, ये देने वाले ये लेने वाले। मंदिर मेरे को आते आते 4-5 साल हो गए, तो मंदिर मतलब ऐसा इतना बड़ा है कि मतलब इसकी मतलब मूर्ति भी अद्भुत मूर्ति है, मतलब दोनों तरफ से मतलब दर्शन दोनों तरफ होते हैं। ये मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक है, महाराणाओं के टाइम से दिया हुआ मंदिर है। करीब करीब इसकी महिमा 100-150 साल से अधिक होगी। और अशोक नगर के इस मेन रोड पर यह मंदिर एक चमत्कार के रूप में आज भी लोगों में श्रद्धा और आस्था का एक अटैचमेंट का एक विशेष केंद्र देखा जाता है। दोस्तों नमस्कार, बजरंगबली के जन्मोत्सव को लेकर विभिन्न मंदिरों की कहानियां आप तक पहुंचती हैं। राष्ट्र न्यूज़ पर आज दातापति बजरंगबली की उस मंदिर की कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं। हम आपको जो अपने आप में अहम है, यहाँ द्विमुखी बजरंगबली के रूप में दर्शन होते हैं और भक्तों में अटूट आस्था और श्रद्धा देखी जाती है। उदयपुर में अशोक नगर स्थित दातापति बजरंगबली मंदिर का निर्माण महाराणा काल में हुआ। पहाड़ों से इस मंदिर की उत्पत्ति की वजह से इसे दातापति हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की खास बात, यहां स्थापित मूर्ति के दर्शन द्विमुखी रूप में होते हैं, यानी कि इस मंदिर में जो मूर्ति स्थापित की गई है उसे आगे और पीछे एक समान रूप से दर्शन के रूप में देखी जाती हैं। वर्तमान में यह मंदिर दातापति ट्रस्ट के रूप में संचालित हो रहा है। वहीं इस मंदिर को लेकर भक्तों में अटूट श्रद्धा और आस्था बनी हुई है। भगवान हनुमान जी के बजरंगबली के जन्मोत्सव को लेकर राष्ट्र न्यूज़ पर हम आज आपको इस विशेष सेगमेंट से रूबरू करा रहे हैं। दातापति के दरबार में भक्तों की किस तरह की आस्था है, श्रद्धा है और किस तरह से जुड़ाव रखते हैं, यहाँ काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, उनसे जानते हैं। आते हुए तो 10 से 12 साल हो गए हैं और बालाजी की कृपा है, आस्था इनके प्रति पूरी रखने पर ही सारे कार्य सिद्ध हुए। कितनी बार संकट भी आए हैं चले हैं, और बालाजी की कृपा है कि हम इस दरबार में आए और उनके साथ जुड़े। श्रद्धा हमारी इतनी है कि हर मंगलवार हम आते ही हैं, पर सुबह है 8 बजे हम उनके दर्शन करने के लिए सुबह आ जाते हैं, नहा धोके आ जाते हैं। और ये बालाजी अपने भक्त को बुला लेते हैं, न कि हम उनके पास रहते ये बुला लेते हैं। फिर ये वो सभी जो है चमत्कार के जो लोगों में जो आस्था श्रद्धा है वो नज़ारे भी बताते हैं। देखिए यदि हम बात करें तो ये मंदिर दातापति बालाजी के नाम से जाना जाता है और इस मंदिर की विधिवत ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के तहत ही ये मंदिर संचालित होता है। इस मूर्ति की जो खासियत है ये द्विमुखी हनुमान जी हैं, यानी कि इस बालाजी के दरबार में दोनों तरफ से दर्शन होते हैं। अभी आप राष्ट्र न्यूज़ पे जो दर्शन करने जा रहे हैं आप देख सकते हैं, ये फ्रंट में यहाँ पंडित जी विराजमान हैं। देखे हैं तो देखिए पंडित जी जो अपने नित्य पूजा का जो कार्य है उसमें जुटे हुए हैं और यहाँ फ्रंट में हम आपको इस मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। चढ़ावा है, लगातार भक्त यहाँ दर्शन के लिए जुटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम आपको इस मंदिर के पीछे की तरफ लिए चलते हैं। फ्रंट में हमने आपके जो दर्शन करवाए हैं वही के वही दर्शन जो है वो पीछे से भी यहाँ होते हुए देखे जाते हैं। और देखिए हमेशा हम देखते हैं किसी मूर्ति के सामने दीपक लगाए जाते हैं, लेकिन फ्रंट में आपको कुछ ही दीपक मिलेंगे। यहाँ ये जो दीपक है ये भक्तों की उस आस्था के श्रद्धा के दीपक हैं। इस मंदिर परिसर में सभी जो मंदिर हैं वो अलग अलग सेक्शन में बनाए गए हैं। बीमार वगैरह का हुआ था तो किसी ने बोला था कि यहाँ पर आना, तो उसके बाद हर मंगलवार यहाँ पे आना स्टार्ट कर दिया। कैसा लगा दर्शन करके, पहली बार दर्शन करके क्या किस तरह का सरप्राइज हुआ? जब आई थी इनके सामने बैठी, हनुमान चालीसा पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला यहाँ पे, तो अब मैंने रेगुलर आना स्टार्ट कर दिया हर मंगलवार। ये ऐसा मंदिर पहले कहीं देखा है? नहीं। दोनों तरफ द्विमुखी हनुमान जी हैं, दर्शन करते हैं तो क्या भाव मन में आता है, किस तरह की मान्यता बन जाती है यहाँ पर आकर? तो
बहुत अलग ही सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि सीन पे बैठ ही रहे, ऐसे जाने का मन ही नहीं करता। अच्छा, हमेशा भगवान के दरबार में सब कुछ मांगने आते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है कि यह मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप में ही श्रद्धा? ऐसा कभी मैंने मांगा नहीं, बट हाँ ऐसे जब भी मैं मांगना चाहूँ तो मुझे पता है जरूर मिलेगा। अच्छा देखिए, भक्तों में अलग अलग आस्था है, आप कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ फर्स्ट बार आई हूँ, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, हमको शांति मिली। द्विमुखी बजरंग बली मैंने यहाँ से पहले नहीं देखे कभी, द्विमुखी नहीं देखे, नहीं देखे। तो कैसा भाव आता है इस मंदिर में दर्शन करके? बहुत अच्छा, मन को शांति मिल गई। ये जो दृश्य आप कैमरे पे देख रहे हैं, यहाँ बालाजी के दरबार में आने वाले जो वो लोग हैं सभी, वे अपने यहाँ झाड़ के लिए पहुँचते हैं और पंखी है, पंखी लगाई जाती है। काफ़ी मतलब अंदर आने के बाद आपको एक वाइब्रेशन ऐसे आएंगे जैसे कि आप बहुत अच्छी जगह आ गए हैं और शांति महसूस होती है बहुत यहाँ पे आने। हनुमान चालीसा का पाठ करने से, हम हर मंगलवार आते हैं यहाँ पे, पास में ही रहते हैं, शक्तिनगर से यहाँ पे आते हैं, हर मंगलवार आते हैं। सभी मंदिर आपस अपने आप में एक, हर किसी मंदिर में एक अपनी एक श्रद्धा और एक अपनी एक शक्ति है हर मंदिर की, अद्भुत है ये चीज़, बहुत कम जगह देखने को मिलती है। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि जो द्विमुखी है ये चीज़ बहुत कम जगह देखने को मिलती है हमारे। काफ़ी मतलब यहाँ आने के बाद कुछ ऐसा अनुभव होता है कि कुछ अलग ही कुछ ऐसा लगता है कि मंदिर में आकर के जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, और काफ़ी प्रभाव है इस मंदिर का। तो देखिए, भक्तों ने हमें अपनी अपनी अलग अलग मान्यता बताई, श्रद्धा आस्था बताई, लेकिन कुछ और लोग हैं उनसे भी जानते हैं, कब से मंदिर आ रहे हैं और ये इस मंदिर का जो भाव है क्या देते हैं? ये मंदिर में मैं कम से कम भी, मेरी देखने के अंदर में कम से कम भी 42-43 साल से आ रहा हूँ, और मेरे पिता जब मैं बहुत छोटा था तब भी मुझे इसी मंदिर में लेकर आते थे जब हम अशोक नगर में हम रहते थे। और इस मंदिर की अच्छी महिमा है, सर्वप्रथम ये हनुमान जी का ही मंदिर था, बाद में शिव मंदिर बना जी, और फिर माता जी का और गणेश जी का मंदिर बना है। ये गुरु थे, प्रथम गुरु, जिनकी समाधियाँ बनी हुई हैं। ये सभी गुरुओं का खूब आशीर्वाद रहा इस मंदिर में, यहीं होते इसी मंदिर, एक ऐसा मंदिर होगा ये, मैं तो जहाँ तक मेरी देखने के अंदर आया हुआ है। ये मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक है, महाराणाओं के टाइम से दिया हुआ मंदिर है। इस पे चोले उसी जमाने से चढ़ते आए थे, पहले तो ये बिल्कुल गोल हो गया था, मूर्ति दोनों तरफ दिखती भी नहीं थी, बाद में जब इसका पूरा चोला उतरा तो इसके दोनों के दर्शन हुए, दोनों मूर्तियों के जी। उदयपुर में ऐसा पहला मंदिर है? ऐसा मंदिर है मेरी देखने में तो उदयपुर में पहला मंदिर है, बाहर भी मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है कि एक ही मूर्त के अंदर दो दर्शन हो। दत्तापति जी, हनुमान जी, काला दत्तापति जी जैसे इसका स्पष्ट नाम था जी शुरू से जी, बाद में कुछ दत्तापति भी रखा गया जी, तो शुरू से लेके आज दिन तक ये इसी प्रकार से इसका मनोरथ चलते आए। ये मंदिर जो था सर्वप्रथम चट्टान के रूप में ही था, चट्टान के रूप में ही प्रकट हुआ जी, तब ये काले पत्थर की जो मूर्त थी पूरी की पूरी, तो इसको काला दत्तापति जी के नाम से पहचाना गया जी, जी। और अभी इसको दत्तापति कहते हैं, दत्तापति के नाम बाद में पड़ गया जी, अन्य गुरु आए या लोग भक्त थे वो काला से दत्तापति जी के नाम से चलने लगा, अब वापस का नामकरण होके पुरानी तरह से ही काला दत्तापति जी रखा गया। बजरंग बली के जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में अपार खुशी देखी जा रही है। दत्तापति के दरबार में यदि हम पहुँचते हैं तो द्विमुखी दर्शनीयाँ होते हैं, और इसके इतिहास पर यदि हम नज़र डालते हैं तो पूर्व में यहाँ बहुत बड़े पहाड़ हुआ करते थे, काले पहाड़ जिसे कहा जाता था, और इस दौरान शहर की जो बसावट थी वो शहर परकोटों में हुआ करती थी। यहाँ उस पहाड़ को काटने के दौरान ये मंदिर में जो है मूर्ति है वो प्रकट हुई, इसलिए इसे काले दत्तापति और वर्तमान में दत्तापति बजरंग बली के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब द्विमुखी दर्शन बजरंग बली के भक्त को होते हैं तो वे अपने आप में धन्य मानते हैं। इस मंदिर की ट्रस्ट व्यवस्था को लेकर हमारे साथ में अमेटा जी जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की मंदिर व्यवस्था है। ये एक मंदिर अपने यहीं है और दूसरा मंदिर नासिक में है, दो मुखी हनुमान जी है और कई नहीं है विश्व में, और ये महाराणा फतेह सिंह जी के दरबार में 1924 में बख्शीश में आया है। जो पहले जो संत थे आत्मानंद जी महाराज जी, उनको बख्शीश में मिला है, उन्होंने दत्तापति हनुमान जी की स्थापना की, और इनका पौराणिक नाम काला दत्तापति है क्योंकि काले दाते से बना हुआ मूर्ति है, काले पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, तो उन्होंने ही मूर्ति स्थापित की है। और उसके बाद आत्मेश्वर महादेव की स्थापना भी आत्मानंद जी महाराज ने की है, उसके बाद उनके जो चेले थे प्रधानंद जी ने, उन्होंने मंदिर को चलाया और उनकी मृत्यु 1990 को हुई, और उसके बाद हमारे गुरु जी मोहनानंद जी 1990 में यहाँ आए
और उन्होंने अंबा माता का मंदिर का निर्माण करवाया, गजानन जी महाराज के मंदिर का निर्माण कराया, ये छत का निर्माण करवाया, एक रूम बनाया, लेट बाद आदि सभी बनाए जी। और यहाँ जो मंदिर में जो पूजा व्यवस्था है उसको लेकर के क्या कहना है, और सबसे बड़ी बात है द्विमुखी हनुमान मंदिर है, इसको क्या? ये मूर्ति बहुत ही चमत्कारिक है, आप एक हाथ से मांगोगे वो अनंत हाथों से देता है, और सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है यहाँ पे। और हम 1990 से यहाँ सेवा पूजा कर रहे हैं, हमारे नाना जी कर रहे हैं, उसके बाद हम कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, चतुरदास जी वैष्णव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में। सबसे पहले तो हमने चतुर्भुज हनुमान जी, मनसापूर्ण हनुमान जी हर नाम सुने हैं, लेकिन ये जो दातापति हनुमान मंदिर हैं और द्विमुखी दर्शन यहाँ होते हैं, क्या कहते हैं? ये दातापति हनुमान जी नाम ऐसे पड़ा था, पहले ये पार था, ठीक है ना, दाते थे, पत्थर थे। बालाजी के जन्मोत्सव पर आप और आपके परिवार को ढेरों बधाई शुभकामनाएं। राष्ट्र न्यूज़ पर धर्मचक्र में विभिन्न स्टोरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हर स्टोरी कंटेंट आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।